नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज मैं वापस आ गई हूं आपके साथ एक मेकअप हॉल वीडियो शेयर करने। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन। व्हाई? बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट नार्स हॉल इन विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू व्हाट आई हैव पिक फ्रॉम लुक फैंटास्टिक अरेबियाज वेबसाइट। नार्स के प्रोडक्ट्स मैंने परचेज़ किए हैं और ये नार्स के प्रोडक्ट्स मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में खरीद पाई, एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड ऑफकोर्स दैट आई गॉट अ चांस टू ट्राई नार्स। बिकॉज नार्स मेरे रडार पर था, पर इतना भी नहीं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली ब्रांड है नार्स। नार्स अगर आपको पता नहीं है तो वो एक फ्रेंच मेकअप ब्रांड है। काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उसके, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, हर ब्रांड के हिट्स और मिसेस होते हैं, पर काफ़ी अच्छा ब्रांड माना जाता है नार्स के। फाउंडेशंस काफ़ी फेमस हैं, उसका एक ऑर्गेज्म करके एक मेकअप लाइन भी है, एंड उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फेमस हैं। सो नार्स के ब्लशर्स भी बहुत फेमस हैं। सो बेसिकली नार्स इज़ अ प्रेटी वेल नोन ब्रांड, इट्स अ प्रेटी ओल्ड ब्रांड, एंड अभी करेंटली आई वाज जस्ट रीडिंग ऑन गूगल, सिसेडो का सब्सिडरी है नार्स। सो सिसेडो इज़ द ओनर ऑफ नार्स। इवन सिसेडो इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्किन केयर ब्रांड। लिपस्टिक्स वगैरह भी सेल करता है सिसेडो। सो बेसिकली नार्स इज़ अ सब्सिडरी ऑफ सिसेडो। So having said that, let's get started with today's haul. It's a pretty quick one because मैंने ज़्यादा products नहीं purchase किए, काफ़ी expensive products हैं नार्स के। Indeed, अगर आपने नार्स का नाम नहीं सुना है तो मुझे ज़रूर से comment करके बताएगा कि आपको क्या मेरे वजह से या मेरे थ्रू आपको इस ब्रांड के बारे में पता चला। आई वुड लव टू नो दैट। एंड इफ दैट्स नॉट द केस और आपको नार्स के बारे में पहले से ही पता था, तो नार्स का कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और अभी तक आपने भी मेरी तरह नहीं खरीदा है, बिकॉज यू डू फील दैट इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मेकअप ब्रांड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज हॉल वीडियो। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन ऑन माई चैनल एंड माई वीडियोज। एंड यहाँ पे है वो बॉक्स जिसमें सामान आया था, एंड मैंने ये बॉक्स खोल लिया था बिकॉज आई रियली वांटेड टू चेक कि मैंने जो भी ऑर्डर किया वो आया है कि नहीं। यू नो इट्स नॉट दैट मुझे आप लोग के सामने उसे खोलना अच्छा लगता, आई लव टू डू दैट। आपने मेरे बहुत सारे हॉल वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें मैं आपके सामने ही खोलती हूँ। अभी एक्चुअली I uploaded one of the videos, if you have not checked that out, go check it out. Huda Beauty का haul video मैंने upload किया था और मैंने एक डेढ़ महीने पहले उसका order place किया था। Somehow I didn't get a chance to open that package, and when I opened it recently, I got to know कि उन्होंने by mistake कोई और trio भेज दिया है। I had ordered icon का trio और उन्होंने bombshell का trio भेज दिया। Then I was like I did mistake because 7 days के अंदर you are supposed to get back to them saying that there is an issue, but I didn't get a chance because I got busy with my life. So 1.5 months बाद I happened to open the package. I found this out. I still reached out to them and they were very sweet. They said that they'll be replacing it, but then at the end of the day they said कि तुम्हारे पास जो पहुँचा है bombshell वाला वो किट तुम ही रख लो, because actually I had swatched the liquid lipstick and the lip liner, so of course that's not the right way to go and give it off to somebody else from their side as well. So I understand, because I was planning to keep it anyways. I was not under the impression that I'll get a replacement also, but they were kind enough and sweet enough that they सेट दैट जो तुम्हारे पास है वो तो रख ही लो, हम तुमको आइकन दोबारा से भेज रहे हैं, तुम वो ले लो। सो बेसिकली आई गॉट दैट आइकन वन फॉर फ्री। सो थैंक यू हुडा ब्यूटी फॉर बींग सो गुड टू योर कस्टमर। सो दैट्स ये आज के युग में ऐसे कस्टमर केयर वाले मिलना बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। ओके, तो नार्स का जो मेकअप लाइन है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है मेरे हिसाब से। काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को बुरा लगता है कि ये लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, पर आई थिंक जितना भी है उसको ही आज के युग में जहाँ पे हर दूसरे दिन नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, नार्स अपना नाम बनाए हुए हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट? सो इसलिए मैंने सोचा कि नार्स के प्रोडक्ट मैं पिक करती हूँ इस बार। आई वॉज ब्राउजिंग थ्रू लुक फैंटास्टिक्स अरेबिया वेबसाइट एंड आई फाउंड दिस आउट। ये इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये हॉलीडे 2022 के आसपास आया था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो नार्स का ऑर्गेजम फोर प्ले
पैलेट है ये, इट्स अ फेस पैलेट एंड इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी दैट आई लव फेस पैलेट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑन द गो आप हो और आपको फेस पैलेट्स यूज़ करने में यू नो यू विल फील गुड एंड ईजी, आपको इधर ब्लश उधर ब्रॉन्जर उधर हाइलाइटर नहीं ढूंढना है, एक ही पैलेट में आपको सब मिल जाता है और कॉम्पैक्ट रहता है तो इट बिकम्स वेरी ईजियर टू ट्रैवल विथ। सो इसको देख के मुझे लगा कि चलो इसे पिक कर लेते हैं और ये पैलेट मैंने पिक किया है। 3.2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ वॉट वी आर गेटिंग, बाहर से ऐसा दिखता है। आई लव इट, इट्स अ वेरी लग्जूरियस फीलिंग आई वुड से। आई नो इट्स जस्ट मेकअप एंड यू विल बी लाइक इज शी क्रेजी, बट इफ आई एम नॉट क्रेजी फॉर मेकअप आई एम नॉट श्योर वट आर यू डूइंग ऑन माई चैनल और वट हैज़ ब्रॉट यू ओवर हियर, बट नंदरलेस आई होप यू विल इन्जॉय वॉचिंग दिस वन। तो ये बाहर से दिखता है, ये ब्लश पिंक है ना, मैं सक्कर फॉर पिंक, यू कैन क्लियरली मेक आउट। तो ये यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी हुई हैं, ऑर्गेजम फोर प्ले और स्विंगर ऑर्गेजम, ऑर्गेजम ऑर्गेजम रश, ये सारे ऑर्गेजम एक्स, तो यहाँ शेड के नाम भी इन्होंने चारों शेड्स के नाम दे रखे हैं और नर्स कॉस्मेटिक्स न्यूयॉर्क सिसेडो EMEA एंड ऑल दोज थिंग्स आर मैंशन ओवर योर। इट्स ऑर्गेजम फोर प्ले ब्लश क्वाड, क्वाड अपने लैंग्वेज में फ्रांस आई थिंक फ्रेंच में लिखा हुआ है यहाँ अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। सो दिस इज़ सो क्यूट, आई फाउंड इट स्ट्रेंज ये स्टिकर उल्टा लगा हुआ है, यूजुअली ये स्टिकर अपसाइड डाउन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखो नार्स ऐसे लिखा है, ये उल्टा है। सो या आई नोटिस दैट एंड व्हेन यू ओपन दिस, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिरर है, आई लाइक इट, इट्स गुड। आई विल शो यू द पैंट्स, तो Isn't it amazing? I love it. I think ये ना I don't think so it's a good choice for fair skin tones, क्योंकि काफ़ी deep colors हैं, you know highlighter भी golden है, proper golden shade है और जो मतलब ये जो highlighter है इसकी बात करूँ मैं, it's too golden for a fair skin girl, you know। तो मुझे लगता है ये मीडियम टू डीपर स्किन टोन के लिए ज़्यादा अच्छा पैलेट है और इसकी जो शीन है आई जस्ट लव इट, जस्ट लुक एट दैट, मुझे तो बहुत अच्छा लगी, ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई लव सच शेड्स, वैसे तो ये सारे शेड्स ही मुझे अच्छे लग रहे हैं बट आई वुड से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला शेड ही लगा है एंड आई थिंक इट्स ऑर्गेजम एक्स इफ आई नॉट मिस्टेकन। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रेड कलर का है एंड ओवरऑल ये पैलेट काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रहा है मुझे एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू ट्रैवल विद इट वन डे। ये अच्छे से बंद हो जाता तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, मैग्नेटिक पैलेट्स में कभी कभी ना वो खुल भी जाते हैं, सो इट्स गुड कि आपको ऐसे आवाज़ आएगी एंड इट विल बी टोटली क्लोज। आप देख सकते हैं इतना भी स्लीक नहीं है बट इट डजेंट फील हैवी, यू नो आई एम रियली हैप्पी ये साइज़ इतना है एंड आई थिंक इट इज़ गुड good for my makeup bag and let's move on and see what I've got next. So this is the next thing, I'm really excited for this one as well, par aapko batati hu pehle hai kya ye nars ka peak show orgasm climax ideo hai, iske andar aapko ye dono products milenge, maine saw it on the side, I was like wow and you know nars ke climax mascara ki to matlab लोग इतना ज़्यादा हाइप करते हैं उसको। आई एम मस्कारा लवर, मेरा फेवरेट हमेशा से ज़िंदगी भर मुझे लगता है एसेंस कॉस्मेटिक्स का लैश प्रिंसेस और मैक का एक्सट्रीम डिमेंशन 3D ब्लैक मस्कारा रहेगा। आई हैव यूज देम लाइक एनीथिंग, मैंने बहुत यूज़ किया है उन लोगों को, कितने सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स में मैंने उनको यूज़ किया है एंड आई लव ट्राइंग मस्कारास, आई वुड से आई थिंक सो। तो मैंने देखा जब इस मस्कारे को कि चलो इसका डीलक्स साइज मिल रहा है एंड एक आई शेडो पैलेट भी मिल रहा है एंड इट वाज रीजनेबली प्राइस्ड, आई थिंक 126 दिरहम का था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनका एम जो वहाँ पे वेबसाइट पे प्राइस दे रखा था। सो आई वाज लाइक ओके फाइन लेट मी चेक कि कैसा है। तो मैंने किसी का यूट्यूब वीडियो ये वो नहीं देखा बिकॉज आई न्यू दैट दिस मस्कारा हैज़ बिन हाइप्ड, आई जस्ट थॉट कि मेरे पास एक भी आई शेडो पैलेट नहीं है नार्स का तो मैं पिक कर लेती हूँ उसको, तो मैंने इसे पिक कर लिया। इट्स अ वेरी नाइस किट, यू आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स, इसके अंदर आपको एक आई शेडो पैलेट मिल रहा है बेसिकली और अपना
जस्ट कि हाँ यो अपना मस्कारा मिल रहा है. सो लेट्स ओपन दिस अप और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको नाज के आई शेडो पैलेट्स कैसे लगते हैं. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी यूजिंग इट. सो आई विल नॉट लाई, व्हेन आई सॉ दिस आई फाउंड इट टू बी टू स्मॉल. द अमाउंट आई पेड वॉज टू मच फॉर दिस. टू बी ऑनेस्ट दैट्स व्हाट आई फेल्ट. मुझे लगा थोड़ा तो बड़ा होगा, ये थोड़ा तो बड़ा होगा. आई शो द पैंट साइज इट विल शॉक यू. सो एंड दैट इज अबाउट इट, यू नो इतना ही है. दिस इज द पैंट साइज. आई वॉज शॉक टू सी द पैंट साइज बट देन आई वॉज लाइक प्रॉब्ली आई डिडंट थिंक थ्रू इट कि इतने पैसे में आपको दो चीज़ें मिल रही हैं. तो इट्स अ किट और वो भी डीलक्स साइज. सो इसका जो बड़ा वाला आई शेडो पैलेट है उसका एक हेफ्टी अमाउंट है. एंड आई एम गेटिंग दिस आई शेडो एंड दैट टू आई कैन गेट टू ट्राई द फॉर्मूला फर्स्ट. तो नार्स के आई शेडोज भी ठीक ठाक होते हैं. मैंने कुछ एक्सट्रीम वाओ वाले फैक्टर मैंने तो नहीं सुना है. यू जस्ट कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट. तो इस आई शेडो पैलेट की बात करूँ तो पैलेट तो मैंने कलर्स देख ही लिए थे जब ऑनलाइन मैं चेकआउट कर रही थी कि कैसा है पैलेट. तो पैलेट तो मुझे पता था कि अच्छा है, दिखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं. ये दोनों शेड्स का थोड़े से ग्लिटरी लग रहे हैं. ये मैट शेड है एंड ये सैटिन फिनिश लग रहे हैं मुझे. सो कलर वाइज आई एम रियली हैप्पी. आई नो दीज कलर्स आर राइट अप माय एले एंड आई विल यूज़ दीज. सो इट्स नॉट अ वेस्ट फॉर मी. पैकेजिंग इज़ रियली गुड. अगेन इट्स अ रियली गुड ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट. मैं ट्रैवल कर सकती हूँ और ऑन द गो. और अगर आप लग्जरी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस किट इज़ नॉट रियली बैड. लेट मी लुक आउट फॉर मस्कारा. सो मुझे नहीं लगता कि देखो मस्कारा के साइज़ का ही पैलेट है, बताओ. एनी वेज लेट्स टॉक अबाउट दिस. दिस इज़ नार्स मस्कारा, क्लाइमस मस्कारा. एंड इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है ना फॉर अ मस्कारा. ऐसा लग रहा है जैसे कोई लिपस्टिक हो. सो आई लव द पैकेजिंग. क्लाइमस मस्कारा एक्सप्लिसिट ब्लैक, दैट इज़ अ वेरियंट. आई डोंट नो उसमें कोई ब्राउन वेरियंट है या नहीं. ये मस्कारा जब लॉन्च हुआ था तो लोग पागल हो गए थे इसके पीछे, यू नो. पर मैंने इसका हाइप भी मरते हुए देखा है. काफ़ी लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे तो इसके रील डालते रहते हैं बट दैट इज़ अबाउट इट. आई हैव नॉट सीन पीपल रेव अबाउट इट इन रीसेंट टाइम्स. आई थिंक कुछ महीनों पहले पीपल वर हाइपिंग इट अप. सो इट इज़ गुड. इफ़ यू हैव ट्राइड दिस मस्कारा डू लेट मी नो. आई एम नॉट ओपनिंग इट बिकॉज अगर इसको ओपन किया ना तो मुझे इसे यूज़ करना पड़ जाएगा एकदम से. द रीज़न इज़ ऑलरेडी अभी मैंने आपको अपना रेयर ब्यूटी का मस्कारा दिखाया था और अभी मुझे वो यूज़ करना है. एक बार मस्कारा खुल जाता है तो आपको 6 महीने में उसे यूज़ करके ख़त्म करना होता है. सो आई रियली वॉन्ट टू यूज़ दैट रेयर ब्यूटी वन एंड देन प्रॉब्ली इन सम टाइम आई ओपन दिस अप एंड डेफिनेटली शेयर विथ यू इन वन ऑफ द ट्यूटोरियल्स. नो इशूज़. सो टू बी ऑनेस्ट मैंने जितना पैसा पे किया इसके लिए आई स्टिल डोंट थिंक कि वो वर्थ है. बट नार्स जैसे ब्रांड में आपको एक आई शेडो पैलेट जो कि ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग का है और आपको एक मिरर भी मिल रहा है एंड कॉम्पैक्ट साइज़ के आई शेडोज मिल रहे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं प्लस एक मस्कारा भी मिल रहा है. सो आई थिंक आई शुड से इट इज़ एन ओके डील दैट आई गॉट एंड डेफिनेटली आई एम रियली हैप्पी दैट आई परचेज दीज नार्स प्रोडक्ट्स. तो दोस्तों ये था मेरा पहला नार्स फेस पैलेट और आई मेकअप हॉल. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आप मेरे से कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा. आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे चैनल पर कौन सी वीडियोज़ को देखने में बड़ा मज़ा आता है. आई वुड लव टू नो. या फिर ऐसा कोई वीडियो है जो आपको अच्छा नहीं लगा सो प्लीज़ डू लेट मी नो बाय कॉमेंटिंग बिलो. और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ. आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.